गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है कुंता के ब्लॉग्स पर। आज मैं पॉक बनाऊंगी। ये देखिए, प्याज अदरक लहसुन कूट के रेडी कर दिया है। इधर है पॉक 1 किलो। इधर में मैंने कढ़ाई भी बैठा दिया है। अभी विदाउट तेल से बनाऊंगी, पॉक से ही तेल निकाल के। ये देखिए, अच्छा से तेल भी निकल गया है। मैं सभी इसे फ्राई करूँगी, पॉक का तेल से ही बना रही हूँ मैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है मैंने, हल्दी पाउडर और ये गरम मसाला। बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ये है पास्तूरन, थोड़ा सा डाल देंगे और दो प्याज काट के रख लिए थे मैंने, वो डाल दिया है मैंने अभी। ये है अदरक लहसुन का पीस। बस सभी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पॉक से ड्राई फ्राई बनाकर खाने से बहुत टेस्टी होता है दोस्तों। मैंने दो थो टमाटो काट के रख लिया है, अभी डाल देते हैं टमाटो। अच्छे से मिक्स कर लूँगी। टमाटो को थोड़ा देर के लिए पकने देते हैं, लगा दिया ढक्कन मैंने। ये देखिए, अभी फिर से देख लेते सब्जी को। टमाटो आधा पक गया है तो अभी डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। अच्छे से पकने देंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, अच्छे से उबल गया है। वाह, क्या खुशबू है। धनिया पत्ता थोड़ा सा डाल दिया है मैंने। अच्छे से पकने देंगे फिर से। ये छोटा आलू मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा छोटा आलू 2-3 से डाल दिया था मैंने। मेरा पॉक रेडी है, देखिए। इधर में मछली फ्राई हो रही है। इधर में मछली का अंडा भी है और मछली का पॉट भी है। तो ये रहा मेरे बॉल रेडी है दोस्तों। ये देखिए, मेरा बॉल आलू और कुछ पट्टा बनाया है मैंने। यहाँ में और आलू डाल दिया, थोड़ा सा बम्बू शूट डाल दिया है मैंने। बम्बू शूट डाल के बनाया बॉल, सब रेडी है, टेस्टी होते हैं। खाना रेडी है।